आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में दो जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा, एक लखनऊ और दूसरा नोएडा गाजियाबाद। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जनवरी को लखनऊ नोएडा को लेकर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। मंगलवार को एक कैबिनेट की बैठक होनी है, उस बैठक में मोहर लगेगी इस फैसले पर, अंतिम मोहर। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पुलिस कमिश्नर के साथ लखनऊ में दो एडिशनल कमिश्नर के पद प्रस्ताव में हैं। लखनऊ नोएडा में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। 14 जनवरी को लखनऊ नोएडा को मिलेगा पुलिस कमिश्नर। देश के कई और राज्यों में ये सिस्टम लागू है और यहाँ यानी कि लखनऊ में भी अब लागू होगा। कमिश्नर सिस्टम है क्या, इसे भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रदेश के कई राज्यों में ये लागू है, शहरों में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसकी कवायद अंतिम दौर में जा पहुंची है। आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े शहरों में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है, जहां सरकार जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर सकती है। हालांकि इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति जता दी है और अब बस इंतजार है तो कैबिनेट की मंजूरी मिलने का। कहा जा रहा है कि सरकार पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी लखनऊ और नोएडा में इसे लागू कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होगी और आखिर ये कमिश्नर सिस्टम है क्या। कमिश्नरी सिस्टम अंग्रेजों के समय की व्यवस्था है। अपराध नियंत्रण, अच्छी कानून व्यवस्था और बेहतर पुलिसिंग के लिए ये सिस्टम है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कमिश्नर की नियुक्ति होती है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी और गोरखपुर में सिस्टम लागू हो सकता है। धारा 144, 107 / 116, 51 गुंडा एक्ट पीड़ित को शस्त्र लाइसेंस के अधिकार कमिश्नर को होते हैं। जिला स्तर पर निगरानी के लिए और अधिक सक्षम तंत्र। जांच और शिकायतों के लिए डीसीपी और आईपीसी अधिकारी उपलब्ध होते हैं। छोटे छोटे कार्य क्षेत्र में बड़े स्तर के अधिकारी होंगे। जिले में जनता के लिए अधिक सीनियर अधिकारी मौजूद होंगे। एसीपी डीसीपी के पास मौके पर तत्काल निर्णय लेने का अधिकार होगा। साइबर क्राइम, हैकिंग, महिला सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट ऑफिसर होंगे। सिविल मुकदमों के लिए धारा 133 और 145 का प्रभावी उपयोग होता है। बार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और कमर्शियल के लाइसेंस का अधिकार। कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस थानों का प्रभावी संचालन। आपको बता दें कि कमिश्नर सिस्टम लागू करने की कोई पहली बार पहल नहीं है। इससे पहले 1976-77 में प्रयोग के तौर पर कानपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई थी। साल 2009 में मायावती सरकार ने भी नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी की थी। दरअसल पूरे देश में पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित थी, जो आज भी ज्यादातर शहरों में पुलिस सिस्टम इसी अधिनियम पर आधारित है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। हालांकि तब पुलिस कमिश्नर सिस्टम देश में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ करती थी, लेकिन अब कई राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है।